बोला। क्या को मालूम ना हो कहा है, बुराई मत करियो लेकिन बुरा मत मानना, मैं भी हूं लो अधी, लो धी, लो माने डाउन और धी माने बुद्धि, लोधी की बुद्धि खराब। मैं भी तो हूं लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं अपने लोगों को समझाने का। जिना जहां बैठो ये सात दिन का मेला लगा है, जहां में सब लोग अपने मेहनत करो, हाथ बटाओ, एक दूसरे के पैर छुओ, बड़े बूढ़े से राम राम करो। हाँ हटिया पर के मोबाइल से लगे अपने मालूम है नंद शास्त्री की निगाह आ गई तो कह दी व्यास गद्दी की तरफ पैर करके, बारे जमाने तुमसे अच्छा मुसलमान है कोसों दूर से भाग के आएगा, टाइम हो जाएगा तो याद रखो। खाली हाथ आया, खाली हाथ तो जाएगा लेकिन साथ में पाप और पुण्य जरूर जाएगा, बचेगा नहीं। माता जी गला घूम देते खिलाओ तुमने, इन्हें हाथन की जवानी औलाद में निकालते ही याद रखना एक चीज याद है, जब तलक ये साथी तब तलक ये रिश्ते, जब तलक ये साथी तब तलक ये रिश्ते। रिश्ता कब तक है, जब तक शरीर में
सांस है, सांस खत्म रिश्ता खत्म। एक चीज मुझे याद आई है, अगर अच्छी लगे तो ताली बजाना, अच्छी लगे तो अच्छी, तो दिल से सुनोगे तो अच्छी लगेगी। फूलों पर सोने वालों, फूलों पर सोने वालों, कब्र के अंदर सेज नहीं मिलेगी। फूलों पर सोने वालों, कब्र के अंदर सेज नहीं मिलेगी। दौलत चाहे कितनी भी पैदा करके रख देना, लेकिन कफन में जेब नहीं मिलेगी। इतनी तेज ताली बजाई हमने, इनके माए पूरी पंडाल झूम गई। धन नजर न लग जाए, पीछे मारने ने कर नहीं बजाई। मैंने कहा था बात अच्छी लगा तो ताली बजाना, अच्छी लगी आई क्योंकि जैसे वैसे अपन संग कट्टी लजन रख रखी। हाँ कि क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। अरे 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 नेक नेक ज्यादा लखड़े ना ले तुम कलाकार ने। लला हो तुम आओ गाके उठे लला हां हां याद रखना। सुनीति काय के लिए मरी जा रही है, संतान के लिए। संतान को यदि पुत्र न हो तो बहुत परेशानी होती है, लेकिन इस औलाद को बिल्कुल शोभा नहीं देता। जो मां सारे दिन अपने बच्चे के लिए रोती है, तड़पती है। एक बात याद रखना, एक मां का पति नहीं है, एक ही पुत्र है। और एक ही पुत्र है तो उसके मन में एक ही विचार आया था कि मैं अपने बच्चे को अफसर बना के छोड़ूंगी। क्या बना के छोड़ूंगी? अफसर। उस माँ ने पहले जमीन बेची, फिर घर बेचा, और घर बेचने के बाद जब कुछ नहीं रहा तो झोपड़ी डाल के रहने लगी, दूसरे के आंगन में मेहनत मजदूरी करने लगी, कपड़े मांजने धोने लगी, बर्तन मांजने लगी। लेकिन उस माँ ने एक ही संकल्प लिया था कि मैं अपने बच्चे को अफसर बना के छोड़ूंगी। अफसर तो बन गया। गांव वालों ने कहा माँ अब तो तेरा बेटा अफसर बन गया, अब तो सब कुछ हो जाएगा। माने कि हाँ भैया अफसर तो बन गया, लेकिन वो आया नहीं।
गांव वालों ने कहा बुढ़िया तेरे बेटे ने तो शादी भी कर ली। माँ की कभी आस खत्म नहीं होती ना, माँ एक चीज ऐसी भगवान ने बनाई है कि माँ की कभी आस खत्म नहीं होती। तो माँ ने कहा जब शादी कर ली मैं गांव में रहती हूँ तो कोई बात नहीं आशीर्वाद लेने आएगा। वो फिर भी नहीं आया तो गांव वालों ने कहा कि तेरा बेटा तो विदेश चलो गो। सोई माँ की आस खत्म है गई कि जब देश में से मिलवे ना आओ तो विदेश में से तो कोई मतलब है। बेटा की याद कर करके एक दिन क्या किया कि माँ ने अपने प्राणों को त्याग दिया। और जब माँ ने अपने प्राणों को त्यागा तो गांव वालों ने जला दिया। तब तक वो भी बाप बन गया था लेकिन बाप बनाता कपूतों का, पूतों का बाप नहीं बनाता। क्योंकि आप जानते हो कभी कहता है कि चांदनी रात तो चोरों को बुरी लगती है, चांदनी रात तो चोरों को बुरी लगती है और बिगड़ी औलाद को हर बात बुरी। ये न सोचे कि आज हमारे संतान नहीं है, आज नहीं तो कल, आज मम्मी नहीं है कल। माताओं के रूप अनेक होते हैं। आज मेरे भक्तों उस माँ की आस खत्म हुई, माँ मर गई। और उसने क्या किया कि अमेरिका में भारत की टेलीकास्ट जब कथा चल रही थी तो उसने अपने ये भागवत सुनी तो उसे अपने माँ की याद आ गई। और माँ की जब याद आई तो उसने तुरंत फ्लाइट की टिकट कराई, गांव आया। और गांव आया तो गांव में कहता है कि चाचा राम राम, लेकिन उसकी कोई राम राम नहीं लेता। अरे आप राम राम नहीं लेना चाहते मेरी? बोले क्या करेंगे राम राम, तेरे जैसे कपूतों की तो राम राम भी कलंकित करती है। जिसकी माँ बरसों याद कर करके अपने पुत्र को मर गई हो, ऐसे की औलाद की राम राम क्या क्या करेंगे। जो इतनी बात कही तो मेरी माँ की झोपड़ी होगी। बोले हाँ झोपड़ी है। झोपड़ी का ताला तोड़ा गया, झोपड़ी में जब वो गया तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। जो अपनी माँ की गुदरी थी बस जैसे ही गुदरी को देखते ही देखते उसे अपने माँ की याद आ गई। उसी गुदरी में उसने सर को छुपा लिया और गुदरी को आंखों पर रख रख के खूब रोने लगा, रोने लगा। इतना रोया, इतना रोया, उसे अपनी माँ की याद सताने लगी। लेकिन उसमें से खड़खड़ की आवाज आई और जब खड़खड़ की आवाज आई तो उसमें से एक पर्चा निकला। अब पर्चा निकला तो उसमें ये लिखा था, बेटा मैं तेरी माँ,
बरसों इंतजार करते करते तेरा मर गई। मैंने सब कुछ किया लेकिन तू अपनी माँ को भूल गया। मैं रोज यही इंतजार करती रही कि मेरा लाल घर कब आएगा। मैं आंखें पसार के देखती रही लेकिन तू कभी नहीं आया। अंत में मैं चल बसी लेकिन ये मत सोचना कि तेरी माँ तुझसे दूर है। मैं दूर नहीं, क्यों कि बचपन में जब तेरी आंख फूट गई थी तो मैं हर डॉक्टर को दिखाती रही। किसी ने डॉक्टर ने तेरी आंख सही नहीं की, यही कह दिया कि अगर इसे कोई आंख दे दे तो तेरा बेटा जरूर ठीक हो जाएगा। दुनिया तुझसे काना ना कहे इसलिए मैंने लेफ्ट वाली आंख अपनी निकाल के तुझे दे दी। ये मत सोचना कि मैं तुझसे अलग हूँ। लेफ्ट वाली आंख के रूप में मैं सदा तेरे साथ रहूंगी। क्या इस गिलानी से इस लड़के को कोई बचा सकता है? बेटा परदेश में हो और बेटा यदि परदेश में हो और वहां से फोन करे कि आजकल मैं घर आ रहा हूं, बताओ क्या क्या चाहिए। पत्नी बता देगी, भैया बता देगा, लेकिन फोन जब माँ की कानों पे आता है और दूर से आवाज करके कहे माँ मैं कल घर आ रहा हूं, बता तेरे लिए क्या ले आऊं, तो वो माँ यही कहेगी मेरे लाल मुझे संसार की चीज नहीं चाहिए। अगर तुम मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा बेटा परदेश से सही सलामत घर आ जाए और इससे ज्यादा माँ को खुशी की चीज की जरूरत नहीं। कोई माँ ये नहीं चाहती, कोई माँ ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा आस लगी होती है। जब तक घर बेटा ना जाए, घर ना आए, दुनिया कोना कोना भोजन कर ले, लेकिन माँ एक ऐसी चीज आंगन में बनाई है वो प्रेम से भोजन नहीं करती। जब तक पुत्र घर आंगन में ना आए तब तक वो भोजन नहीं करती। आज उसी माँ को लोग तड़पाने में कसूरी नहीं करते। जिस माँ ने अपना तन तन अपने बेटे के नाम लिख दिया, जिस माँ ने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अपने संतान के अलावा संसार में कुछ देखा नहीं, उसी के लिए अब शब्द निकाल देते हैं लोग। मैं तो कहता हूं जो औलाद ये कहे कि मेरी माँ पर काय की कमी है, ऐसी औलाद को तो जहर दे के मार देना चाहिए। जो औलाद ये कहे कि मम्मी पर काय की कमी है, माँ बाप पे तो खेती है बाड़ी है सब कुछ है माँ पर। और एक चीज और हो गई है, बेटा परदेश से आए और माँ के पास आज की बहुएं नहीं मिलने देती बिल्कुल। बोले परदेश से आ रहा है कहीं ऐसा न हो कि डुकरिया के पास में चला जाए, दो चार हजार रुपया डुकरिया के हाथ पर रखे आवे हो, हाँ पूरा पहरा बिछा देते हैं, पूरा पहरा बिछ जाता है, जाने नहीं देती। और ये बात मैये पता चल जाए ना कि दो चार मेरा बेटा मेरे पास में आए तो बहू कलेश कर देती है, तो माँ इस गम को भी अपने दिल में छुपा लेती है और ये कई बात कहती है बेटा तू मेरे पास मत आओ करे, क्योंकि तू मेरे पास आता है इसलिए तेरी बहू तुझसे कलेश करती है और ये माँ ये नहीं चाहती कि तेरे साथ कलेश हो जाए। लोग कहते हैं कि कन्यादान बड़ा होता है,
लेकिन कन्या को दान स्वयं माँ अपने बेटे को कर देती है। जाको सुख तू ले, जाको पैसा तू ले, जाके खेती तू ले, जाके जमीन तू ले, जाको घर तू ले, और जाइया जाइया ने सारी जिंदगी में मैंने जो पैदा किया भाई तू ले, दूसरे की कन्या के हाथ में अपना 7 फुट का बेटा माँ दान कर देती है कि जा जाका सुख तू हो। मुझे कुछ न चाहिए, पैदा मैंने किया, दूध मैंने पियाए, लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं, आज से ये मैं तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। लेकिन फिर भी माँ बेटे के बीच में जो नारी दरार डाल दे, ये सोचना कि वो नारी नहीं हो सकती। जिसने माँ ने पैदा किया और वो औरत उसी माँ और बेटे के बीच में जुदाइयां बना दे, तो ये मत सोचना कि ये नारी है। समझ लेना ये किसी जन्म की डायन है, ये बदला लेने के लिए आई है। न माँ बेटे के बीच में कोई भी माँ जुदाई दीवार खड़ा नहीं करवाती। पैदा किसने किया, दूध किसने पिलाए, किसने सेवा की। और मैं तो ये कहता हूं कि पहले तो अपनी पत्नी से ये कहो कि मेरी माँ की सेवा तू कर, तू कर, और तू ना करेगी तो मैं करूंगा, रहे और चल जा, मुझे कोई गम नहीं है। माँ की सेवा करने पर अगर औरत ऑब्जेक्शन उठा दे, वो राक्षसी मानना, तू अपनी माँ की सेवा को खूब करवाने के चक्कर में रहती है, तू अपनी माँ को अपनी माँ समझती है, लेकिन अपनी सासू माँ को माँ नहीं समझती। अगर समझती होती अब तो एक चीज और है, ये कहती है कि देखना तुम्हारी माँ ने हमसे ऐसे कहा, शादी होके आई है पति के साथ, और क्या जवाब मिलता है कि तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी माँ ने, इसका मतलब तूने अभी तक अपनी माँ माना ही नहीं है। मान जाती तो ये बात तू कभी न कहती, अपनी माँ को समझा लेना तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। अबे तू भैया नहीं मान रही है जिन्होंने कन्यादान करके भेज दिया। एक लड़का ऑफिस से लेट हो गया और पत्नी एकदम चिल्लाई, हूँ कब का इंतजार कर रही हूँ, तुम कहाँ गए थे, इतनी देर हो गई है। तो उस लड़के ने जवाब दिया था, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मैं अपनी माँ देखने के लिए घर चला गया। तुम्हें अपनी माँ की इतनी चिंता है, अपनी माँ की इतनी चिंता के लेने देखने के लिए घर चले गए, और मैं यह कमरे पर बीमार हूं, मेरी कोई चिंता ही नहीं। पाने कहा चिल्लाते नहीं, मैं एक गलती और कर लाया हूं। बोले कौन सी गलती कर लाए, अब क्या हो गया। बोले मैं माँ को यही ले आया हूं। तो सौरत का जवाब था, या तो तू अपनी माँ रख ले या मुंह रख ले। लड़के ने कहा बाबा ठीक है, तू रह ले या माँ रह ले, लेकिन मेरी माँ के दर्शन तो कर ले। जब यहां तक मैं ले ही आया हूं तो मेरी माँ के दर्शन तो कर। तो दर्शन करने गई तो वो लड़के की माँ नहीं थी, लड़के की सासू माँ थी। और जैसे ही उस औरत ने अपनी माँ को देखा, गुस्सा छुमंतर हो गया। बोले अरे तुमने पहले नहीं बताया कि मेरी माँ है। लड़का हाथ जोड़ के कहने लगा, यही तो मुझे बुरा लगता है कि तेरी माँ को मैंने अपनी माँ समझ करके इतनी दूर से यहाँ ले आया, और तू मेरी माँ समझ करके मुझ पर क्रोध कर रही थी। काश जितना प्रेम मैं तेरी माँ से करता हूँ, उतना ही प्रेम अगर तू मेरी माँ से करने लगे तो मेरा घर स्वर्ग हो जाएगा, मुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात कहूंगा, कितना भी प्रेम करना